Thank you.
स्थिति को तेरे चरणों में इत्र के समान
आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। Thank you.
भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जीसस हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के विश्राम दिन के लिए, कि परमेश्वर ने फिर से हमारे जीवन में एक दिन जोड़ा है कि हम उसके पवित्र नाम की महिमा कर सकें। पिछले दिनों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें कि उसकी महाकरुणा, उसकी दया हम पर लगातार बनी रही, आज हम मिलने पाए, आज हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति में, उसके वचन को सुनने में और उसकी आराधना करने में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि इस ऑनलाइन के माध्यम से भी परमेश्वर पिता हमसे बातें करता है। ओ जीसस हालेलुया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें, उसके पवित्र नाम की महिमा, हालेलुया। ओ परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में, हमारे जिंदगियों में काम करती है। पिछले दिनों उसने हमें संभाला है, इसके लिए हम उसे धन्यवाद करें। आइए हम विश्वास की सामर्थ पर, ओ प्रभु पर यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपना जीवन उसको अर्पण करें। ओ धन्यवाद करें परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम की स्तुति और आपके पवित्र नाम की तारीफ, आपके पवित्र नाम की महिमा हो सके। मेरे परमेश्वर पिता, हमसे बेहतर न जाने कितने लोग थे प्रभु जी, जो जग को छोड़कर जा चुके प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज मेरे परमेश्वर आपने विश्राम दिन में हमें प्रवेश कराया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारी गलतियों को परमेश्वर आप धीरज से सहते हैं पिता, हमारे अपराधों को आप क्षमा करते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे दया मांगते प्रभु जी, कि जितने लोग हमारे साथ प्रभु जी आज ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं पिता, वो आशीष पाए मेरे परमेश्वर पिता, वो बरकत पाए मेरे परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में प्रभु बड़े और अद्भुत काम होने पाए पिता। ओ पिता यीशु, आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु अपना मन, अपना हृदय, सब कुछ आपके हाथों में सौंप, पिता थके हों को बल, शक्तिहीनों को सामर्थ्य देते, जो दिल टूटे हुए हैं उन्हें आप जोड़ते हैं पिता, जो निराशाओं में हैं उनके पास आप एक आशा देते हैं, जीने की आशा प्रभु आप देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज मेरे परमेश्वर इस दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी महाकरुणा, तेरी बड़ी दया मांगते परमेश्वर पिता। तू भला परमेश्वर है, तेरी भलाई सदा की है परमेश्वर पिता, तेरे बच्चों पर पिता सर्वदा बने रहने पाए ईश्वर। जितने लोग प्रभु आज ऑनलाइन में आए हैं प्रभु, उन सब को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब पिता परमेश्वर आज उन्होंने आनंद के साथ तेरी आराधना और तेरी स्तुति की है, तू उनके साथ है मेरे परमेश्वर, जो तेरी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते हैं, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, और उनके जीवनों में परमेश्वर तू कार्य करने वाला प्रभु है। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्यारे परमेश्वर तू उनके जीवनों में काम कर प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, जिससे प्रभु उनका जीवन तुझ में सफल और सुखमय होने पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर वो तेरे पास ही आए हैं मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ प्रभु। जब वो अपना बोझ और अपनी चिंताओं को और अपने सारी चीजों को प्रभु तेरे पास लाए हैं प्रभु, तू उन्हें ले ले मेरे परमेश्वर पिता, और उन्हें अपना बोझ सहज और हल्का है वो दे दे मेरे परमेश्वर।
धन्यवाद यीशु। महान परमेश्वर, हमारा प्रार्थना करना, हमारा विश्वास करना, सब कुछ मेरे परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए होने पाए। ए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से प्रभु आशीष पाएं। अब पिता परमेश्वर, में वचन के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु जी। जो तेरा संदेश, तेरा वचन है परमेश्वर पिता, उनके हृदय में परमेश्वर पिता बैठने पाए, और परमेश्वर वो वचन के द्वारा तू उनसे बातें कर ओ प्रभु। ये वचन पिता परमेश्वर उनको उनको लाभ पहुँचाने पाए प्रभु जी, ये उनके लाभ के लिए होने पाए प्रभु जी, उनके जीवन बदलने के लिए होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हे पिता, कि तूने मुझ जैसे को इस्तेमाल कर रहा है प्रभु जी, मुझे इस्तेमाल कर, मेरी जुबान को इस्तेमाल कर, मेरे मुख को इस्तेमाल कर पूजे, कि मैं तेरे वचन की मुनादी कर सकूं, तेरे वचन को परमेश्वर पिता फैला सकूं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूं, जितने लोग तेरे वचन को सुनते हैं पिता, वो भी परमेश्वर पिता जब सुनते हैं और सुनकर उसे ग्रहण करते हैं, और वो गवाही पिता परमेश्वर दुनिया में बांटने वाले हो जाएं, क्योंकि लिखा है जब प्रेरित काम उसके एक आठ में जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, प्रभु तेरा आत्मा उन पर उतरने पाए, और वह यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, और पृथ्वी के अंतिम छोर तक तेरे गवाह, तेरे साक्षी ठहरने पाए प्रभु जी। वो सच्चे यहोवा के साक्षी ठहरने पाए, सच्चे प्रभु के साक्षी ठहरने पाए, सच्चे प्रभु के गवाह ठहरने पाए प्रभु। जैसे आप ज्योति में हैं प्रभु, वैसे आपके आपके बच्चे भी ज्योति में हो जाएं प्रभु। मैं ये विनती और प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, सब चीजों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं, और प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की, और मैं आप सबका आज की रविवारी आराधना में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हालेलुया। जब आप रविवारी ऑनलाइन प्रार्थना सभा में, ऑनलाइन कार्यक्रम में आते हैं और सुनते हैं, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा आशीष कर रहा है, आपके जीवनों को बदल रहा, आपकी सोचों को बदल रहा है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं परमेश्वर का वचन आज आपको और आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन में काम करेगा। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री, और उसका दो अध्याय और उसके 14 पद से 26 पद तक यदि आप वहां पर गौर करेंगे परमेश्वर के वचन में, आपने पढ़ा होगा इस अध्याय को, इस वचन को। यहां पर मेरे प्रियो एक बात को हम पाते हैं, और वो बात है विश्वास की। हालेलुया। विश्वास व्यर्थ का या वास्तविकता का, जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, यह विश्वास व्यर्थ है या वास्तविकता है, यह आज इस बात को हमको जानना आवश्यक है। हालेलुया। मैं आपको इसके विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, मैं आपको इसका परिचय देना चाहूंगा। परिचय इस प्रकार से मैं आपको सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूं, वो ये है, संसार में अधिकांश लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। शायद ही कोई ऐसा आपको मिले, विशेषकर हमारे भारत देश में, जो कहे कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। परंतु वास्तव में जो सच्चा विश्वास और जीवित विश्वास है, वह कौन सा है? वह कौन सा विश्वास है जो सच्चा और जीवित विश्वास है, वह कौन सा है? यह सवाल आता हमारे सामने, वह कौन सा विश्वास है जो सच्चा है और जीवित है? वह कौन सा ऐसा विश्वास है जिसे हम मसीही विश्वास तो कर विश्वास तो कहते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में गलत है और उसे ग्रहण योग्य ना हो? हमारा विश्वास कहीं ऐसा ना हो कि उसे ग्रहण योग्य ना हो, तो फिर सच्चा मसीही विश्वास क्या है? इसी विश्वास की चर्चा याकूब अपने पत्र के दूसरे अध्याय में करता है। वो क्या से? याकूब के पत्र के पहले इब्रानियों की पत्री है, आपने पढ़ा होगा। इस पत्री के 11वें अध्याय में विश्वास के बारे में लिखा हुआ है, इसे हम विश्वास का अध्याय कहते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय, उसे हम विश्वास का अध्याय कहते हैं, विश्वास का अध्याय कहते हैं। विश्वास हमारे मसीह जीवन का आधार है। इब्रानियों के 11वें अध्याय के आरंभ में ही विश्वास की परिभाषा लिखी हुई है।
कि आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अर्थात जिन वस्तुओं की हम आशा करते हैं उनका निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो बातें दिखाई नहीं देती उनका प्रमाण, विश्वास वचन में जो प्रतिज्ञा की गई है उनको हम देख नहीं सकते परंतु उनको मानते हैं, उन पर चलते हैं और उनके अनुसार जीवन जीते हैं, उनके अनुसार हम जीवन जीते हैं। हम गीत गाते हैं कि हम विश्वास से एक देश देखेंगे। उस देश को हम देख तो नहीं सकते परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर यह गीत गाते हैं। हम उस अनंत जीवन की आशा लगाते हैं, इसी अध्याय के छठवें पद में देखो तो बड़ी मूलभूत बात लिखी हुई है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना हम मसीह नहीं हो सकते। विश्वास बिना आदि कहें कि हम मसीह हैं तो आधारहीन बात होगी। कोई आधार नहीं होगा। इफिसियों नाम की किताब और उसके 2 अध्याय और उसके 8वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह विश्वास ही से तुम्हारे उद्धार का कारण आधार है। मरकुस रचित सुसमाचार 16:16 में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अजीजों, बिना विश्वास के हम मसीह हो नहीं सकते, ना मसीह को देख सकते, ना मसीह को प्रार्थना कर सकते। बिना विश्वास के हमारा उद्धार हो नहीं सकता। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास हमारे मसीही जीवन और परमेश्वर से हमारे संबंध की आधारशिला है। याकूब अपने 2 अध्याय में यह बात को लिखता है कि ऐसा विश्वास भी होता है जो हमारा उद्धार नहीं करता। वास्तव में कौन सा विश्वास सही है? हम सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं क्योंकि हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया है। हो सकता है कि हम इस विश्वास को बड़ी गंभीरता से मानते भी हो, परंतु इसके बावजूद हम गलत हो सकते हैं। याकूब इस संदर्भ में ऐसे 3 प्रकार के विश्वास का वर्णन करता है जो खोखले विश्वास हैं और हमारा उद्धार नहीं कर सकते। खोखला विश्वास, मेरे प्रियो, हमारा उद्धार नहीं कर सकता। खोखली प्रार्थनाएं हमें अनंत जीवन नहीं दे सकती। इसमें 3 बातें हैं जो हमको याकूब बताता है। पहली बात जो है, ऐसा विश्वास जो मात्र शब्दों तक सीमित है हमारा उद्धार नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अजीजो, ऐसा विश्वास जो मात्र शब्दों तक सीमित है हमारा उद्धार नहीं कर सकता। याकूब 2:14 में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यहां पर स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं याकूब यहां पर यह प्रश्न कर रहा है कि ऐसा विश्वास जो कर्म ना करे उससे क्या लाभ है। यह ऐसा विश्वास भी है जिससे उद्धार नहीं मिल सकता। अंजीर का पेड़ तो लगा हुआ है, दिखाई देता है, उसमें हरे पत्ते हैं परंतु फल नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको शराप देता है। नाम तो बहुत अच्छा है परंतु काम उस नाम के अनुरूप है, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में वह व्यक्ति शरापित है। नाम तो यहूदा है जिसका अर्थ होता है परमेश्वर की महिमा करना।
परंतु काम ऐसे हैं जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, काम ऐसे हैं जो चुंबन देकर परमेश्वर के पुत्र को पकड़वाते हैं, काम तो ऐसे हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि भला होता ऐसे व्यक्ति का जन्म ही ना होता, भला होता ऐसे व्यक्ति का जन्म ही ना होता। नीति वचन 26 अध्याय उसके 23 आयत में लिखा हुआ है, जैसा कोई चांदी का पानी, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। बर्तन तो मिट्टी का है, परंतु उस पर चांदी का पानी चढ़ा दिया गया है। ठीक उसी प्रकार बुरे मन वाले व्यक्ति के वचन होते हैं, बर्तन गिरेगा तो फूट जाएगा। उसी प्रकार वचन, जो वचन तो बड़े प्रेम के हैं, परंतु हृदय में भीतर से जलन, कुड़न और वैर भाव है, ऐसे वचनों का कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे वचनों का कोई फायदा नहीं होगा। यहेजकेल नामक किताब उसके 33 अध्याय और उसके 31 आयत में लिखा हुआ है, वे प्रजा की नाई मेरे तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं हैं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। यहां परमेश्वर अपने प्रजा के लोगों के लिए यह बात कह रहा है कि वे प्रजा की नाई मेरे पास आते हैं, वचन तो सुनते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं, प्रेम दिखाते तो हैं परंतु करते नहीं हैं, क्योंकि मन में लालच भरा हुआ है, क्योंकि मन में लालच भरा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 6 आयत में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा कि यसाय ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, हे जैसा लिखा हुआ है कि ये लोग ओंठों से तो तेरा मेरा आदर करते हैं, पर उन पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहा है कि हे कपटियों, ओंठों से तो तुम मेरा आदर करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। तीतुस नाम की किताब और उसके 1:16 में लिखा हुआ है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। तीतुस लिखता है कि ऐसे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कामों से, अपने व्यवहार से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। याकूब अपनी पत्री के 2 अध्याय के 14 पद में लिखता है कि ऐसा विश्वास जो सिर्फ बातों का है और उसमें काम ना हो तो उसका क्या लाभ है, ऐसा विश्वास हमारा उद्धार नहीं कर सकता, ऐसा विश्वास हमारा उद्धार नहीं कर सकता। अगर हम ओंठों से परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, ओंठों से उसका गुण अनुवाद करते हैं, ओंठों से उसके उससे प्रार्थना करते हैं, ओंठों से उसकी प्रशंसा करते हैं, परंतु हमारे कार्य और व्यवहार उसका इनकार करते हैं, तो ऐसा विश्वास और कर्मकांड हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हम अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं, हम अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को, ये समय है कि हम अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें, कहीं हम अपने आप को धोखे में तो नहीं रखे हुए हैं। दूसरी बात, ऐसा विश्वास जो मात्र परंपरा तक सीमित है हमारा उद्धार नहीं कर सकता,
ऐसा विश्वास जो मात्र परंपरा तक सीमित है हमारा उद्धार नहीं कर सकता। याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 17-18 में लिखा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म रहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि मुझे विश्वास है और कर्म, और मैं कर्म करता हूं तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। विश्वास कार्य के बिना तो मरा हुआ है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम धर्म हमारे लिए मात्र एक परंपरा बन जाता है। यह शैतान की चाल होती है, यह शैतान की चाल होती है। एक समय ऐसा होता है, एक समय ऐसा आता है कि जब हमारे लिए धर्म एक परंपरा बन जाता है, प्रभु यीशु मसीह एक परंपरा बन जाता है, संडे स्कूल आना जाना मात्र एक परंपरा बन जाता है, कलीसिया की आराधना मात्र एक परंपरा बन जाती है, प्रार्थना करना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है, यहां तक कि उपवास करना भी मात्र एक रस्म बन जाती है, त्योहारों का मनाना भी एक रस्म अदाई की बात हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे मसीह हैं क्योंकि हमारा विश्वास बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारे बच्चे संडे स्कूल में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम कलीसियाओं में जाते हैं, हम भाग लेते हैं, क्योंकि हम नियमित रूप से कलीसिया की आराधना में उपस्थित होते हैं। ये सारी बातें जरूरी हैं कि जरूरी है और अच्छी हैं। परमेश्वर ये बातें हमसे चाहता है, परंतु शैतान प्रयास करता है कि प्रार्थना करना, कलीसिया की आराधना में भाग लेना एक परंपरा बन जाए। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में 2 उदाहरण हैं कि 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे, 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक फरीसी प्रार्थना कर रहा था, वह कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, दशमांश देता हूं, मैं कभी अंधेर नहीं करता, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं। तब एक व्यक्ति और जिसके लिए प्रार्थना करना परंपरा नहीं है, उसके लिए धर्म का अर्थ सिर्फ उपवास करना, दसवां देना, अंधेर करना, अन्याय करना और व्यभिचार ना करना, यह प्रार्थना वह करता है अपने हृदय की गहराइयों से। कहता है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में पहला धर्मी, पहला व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा, वो क्योंकि उसके लिए धर्म एक परंपरा बन गया। दूसरा व्यक्ति धर्मी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने हृदय से प्रार्थना की, उसने अपनी धार्मिकता गुणगान नहीं किया, बल्कि यह कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय और उसके 18वीं आयत में 2 उदाहरण मिलता है। एक धनी युवा प्रशासक था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, मैं आज्ञाओं को बचपन से जानता हूं, मैं आज्ञाओं को ना सिर्फ जानता हूं बल्कि उन्हें मानता भी हूं। लिखा है प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, जो जा और जाकर अपना सारा धन कंगालों में बांट दे। इस युवा के लिए धर्म मात्र एक परंपरा थी। उसने कहा कि मैं इन बातों को जानता हूं और मानता हूं, परंतु सब रीतियों से बढ़कर कुछ काम करने की, त्याग करने की बात आई तो वह पीछे हट गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि सामान्य से कुछ हटकर तेरे विश्वास में होना चाहिए, जा जो कुछ तेरे पास है सब गरीबों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा,
तो वह प्रभु यीशु मसीह की बात को नकार देता है, क्योंकि वह बहुत धनवान था। ऐसा विश्वास जो मात्र परंपरा बन जाता है, जिसमें कोई जीवन नहीं होता है, जिसमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं, जिसमें कोई कार्य नहीं होता है, जिसमें कोई त्याग नहीं होता है, जिसमें कोई आंसू नहीं होते हैं, जिसमें कोई परिश्रम नहीं होता है, जिसमें दूसरों के साथ एक के बदले चार मील जाना नहीं होता है, जिसमें कोई कुर्ता मांगे और दोहरी नहीं दी जाती है, ऐसा विश्वास कोई काम नहीं करता। ऐसा विश्वास हमें धोखे में रखता है और हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा विश्वास मरा हुआ है। ऐसा विश्वास मरा हुआ है। तीसरी जो बात है, ऐसा विश्वास जो हमारे ज्ञान तक सीमित है, ऐसा विश्वास जो हमारे ज्ञान तक सीमित है, हमारा उद्धार नहीं कर सकता। याकूब की पत्री इसका 2 अध्याय और उसके 19-20 पद में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा कहता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हो सकता है कि हम बुद्धिमान की बातें करें, पर हम तर्क वितर्क करें, हम अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की प्रभु सत्ता को स्वीकार करते हुए उस पर विश्वास करें, परंतु याकूब कहता है कि तू अच्छा करता है, परंतु क्या है, अच्छा करता है, परंतु ऐसा तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। यहूदा भी परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसने भी प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म देखे थे, वह प्रभु यीशु मसीह की रोटी से खाता था, उसके साथ एक थाली में खाता था, परंतु वह यीशु मसीह के पास रहकर भी उद्धार से वंचित था। धनी युवा प्रशासक सब आज्ञाओं को जानता था, उसके दिमाग में सारी बातें भरी हुई थी, सारी परंपराएं रटी हुई थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास आकर भी वह उद्धार से वंचित रह गया, उद्धार से वंचित रह गया। इसलिए पौलुस कहता है, आदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। आप 1 कुरिन्थियों और उसके 13 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 3 पद में वहां पर आप पढ़ सकते हैं। वो कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं भी अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ऐसे विश्वास से क्या लाभ है? जब सब प्रकार के ज्ञान की बातें हैं तो परंतु प्रेम नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर को मानता हूं, तो यह व्यर्थ है, क्योंकि विश्वास तो दुष्टात्माएं भी करती हैं। मरकुस 3:11 में हम पढ़ते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके पास उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि यह परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्माएं उसके अधिकार को मानती थी और चिल्लाकर उसके परमेश्वर का पुत्र होने की बात स्वीकार करती थी। लूका 4:41 में हम पाते हैं कि दुष्टात्मा चिल्लाती और कहती है कि यह परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा विश्वास जो मात्र हमारे ज्ञान तक सीमित है, वह हमारा उद्धार नहीं कर सकता। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि कैसा विश्वास हमारा उद्धार कर सकता है, कौन सा विश्वास हमारा उद्धार कर सकता है,
कौन सा विश्वास सही मसीही विश्वास है, इस बारे में ना सिर्फ याकूब यहां तक बताता है बल्कि उदाहरण भी देता है, बल्कि उदाहरण भी देता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय 21 और 21 से लेकर 25 भी आयत में लिखा है, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिति की और उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया है कि परमेश्वर केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। विश्वास हमारा इसलिए अति आवश्यक है, परमेश्वर का मित्र। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही रहा बेस्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या वह कर्मों से धर्मी ना ठहरी? बिल्कुल। इब्राहिम विश्वास का पिता कहलाता है। उसने ना सिर्फ विश्वास किया परंतु इस विश्वास को अभिव्यक्त भी किया। वह अपने कर्मों के द्वारा अपने विश्वास की कसौटी पर इतना खरा उतरा कि बलि चढ़ाने से भी अपने हाथ को ना रोक सका। हालेलुया। इसलिए हम उसे विश्वास का पिता कहते हैं। रहा बेस्या ने भी परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार उन दूतों को अपने घर में उतारा, अपने घर में ठहराया, अपने घर में शरण दी, अपने घर में उनकी रक्षा की। उसने केवल यह नहीं कहा कि परमेश्वर तू जो कहता है उसको मैं मान लेती हूं, परंतु उस करके भी दिखाया। इस कारण वह धर्मी ठहरी। वह यहां तक धर्मी ठहरी कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में रहाब बेस्या का नाम आया। यहां तक वो धर्मी ठहरी। इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय को यदि हम देखें तो वास्तव में किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। यहां अपने आप में पूर्ण संदेश है, एक पूर्ण संदेश है। इब्रानियों 11:8 में लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, यह ना जानता था कि किधर जाता है, तो भी निकल गया। इब्राहिम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उस पर विश्वास करते हुए निकल गया, जबकि वह नहीं जानता था कि कहां जाने वाला है, कल क्या होने वाला है, वह भविष्य से अनजान था। इब्राहिम ने विश्वास की गवाही उसके कार्यों और जीवन के द्वारा प्रतिदिन प्रकट की। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बहनों, प्रतिदिन के द्वारा हमें प्रभु की गवाही को प्रस्तुत करना है। इब्रानियों 11:24 और 25 आयत में लिखा हुआ है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के हाथ दुख उठाना
दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा ने क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेख को मानो देखता हुआ दृढ़ हो गया हो। इब्रानियों की किताब और उसके 11 अध्याय उसके 33-34 आयत और 36-40 में लिखा हुआ है, उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार से बच निकले, निर्बलों में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने और बार बार बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवाए किए गए, हरे और चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालों को ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरते, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। ये सब कार्य थे, यह सब त्याग था, उनके विश्वास की गवाही बना, जिससे उनके मसीही विश्वास की गवाही आग की लपटों के समान सारे संसार में फैल गई, आग की लपटों के समान सारे संसार में फैल गई। अगर विश्वास है तो उसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए। यदि हम कहें कि हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे शब्दों, हमारी परंपराओं, हमारी बातें, हमारे तर्क वितर्क में विश्वास है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मात्र यह ना कहें कि हम विश्वास करते हैं, परंतु जो प्रश्न मुझे और आपको स्वयं को करना है कि क्या हमारा विश्वास दिखाई देता है, क्या हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में आत्मा के फल लगे हुए हैं, क्या हमने मसीह की सेवा की है, क्या हमने अपने विश्वास की गवाही अपने कार्यों के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, जब हम ताए गए तो क्या हम उस विश्वास की परीक्षा में खरे उतरे। अंत में याकूब अपने संदेश का सार लिखता है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है, कर्म बिना मरा हुआ है। क्या हमारे पारिवारिक जीवन में, क्या हमारे संबंधों में यह विश्वास दिखाई देता है, उसकी गवाही होती है। हम अपने विश्वास को जीवंत बना सकते हैं, हम अपने विश्वास को, गवाही को दूर दूर तक फैला सकते हैं। परमेश्वर ने जो विश्वास दिया है, जो वचन दिया है, उसके अनुसार अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को और अपने समाज को बना सकते हैं। हिमालय पर्वत पर कुछ लोग चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। उस समय तक उस शिखर पर कोई पहुंचा नहीं था। इंग्लैंड से 7 लोगों का दल आया। ये सब मसीही थे, जिनमें 3 महिलाएं और 4 पुरुष थे। उन्होंने विचार किया कि हम माउंट एवरेस्ट पर पहुंचेंगे। बहुत प्रार्थना के साथ उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। एक के बाद वो लोग एक के बाद एक पड़ाव
भी तय करते हुए जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए समस्याएं आती गईं। ऑक्सीजन कम होती गई। बर्फीले तूफानों का उन्होंने सामना किया। ऊंचाई से गिरने के कारण कुछ की हड्डियां टूट गईं। अंत में माउंट एवरेस्ट उनके सामने था और लगभग 100 फीट की दूरी और तय करनी थी। एक बहुत भयंकर आंधी आई, पहाड़ से एक बहुत भारी टुकड़ा नीचे गिरा। इस दल के 4 लोग दबकर मर गए। दल के बाकी लोग निराश हो गए। उन्होंने निर्णय किया कि हम अपने इन 4 साथियों के शव लेकर वापस अपने देश चले जाएंगे। बड़ी कठिनाई से अपने मित्रों की मृतक देहों को लेकर वे नीचे उतरे और उन्हें इंग्लैंड वापस ले गए। लंदन में जब एक बहुत बड़े हॉल में अंतिम संस्कार की आराधना हो रही थी तो वहां हजारों लोग जमा हुए थे। दल का मुखिया जो बच गया था वह बड़े भारी हृदय से अपने 4 मित्रों की पार्थिव देहों को विदाई दे रहा था। जब उनका अंतिम संस्कार की आराधना चल रही थी और खड़ा हुआ और जिस दिशा में हिमालय के माउंट एवरेस्ट पर्वत की चोटी थी उस तरफ उसने अपना मुंह किया और उस आराधना के दौरान उसने इस प्रकार कहा, हे माउंट एवरेस्ट, आज तूने हमारी टोली को पराजित कर दिया, परंतु हमने तुझे से हार नहीं मानी। एक दिन हम अपना झंडा तुझ पर चढ़ाएंगे, एक दिन हम तुझ पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हे माउंट एवरेस्ट, तुम अपनी ऊंचाई से और अधिक बढ़ नहीं सकते, परंतु परमेश्वर ने हमको क्षमता दी है कि हम अपने जीवन में ऊंचे उठ सकते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है, एक मसीही जीवन की आशा है कि हम अपने आप को बाइबल के मापदंडों के सामने भले ही बहुत छोटा तो पाते हो सकता है कि यह हमारे लिए माउंट एवरेस्ट के समान हो, परंतु परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठने की क्षमता दी है। परमेश्वर ने हमें पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया है। उसने अपने वचन का प्रकाश दिया है, वह अपने दूतों के द्वारा हमारी सुरक्षा करता है, वह अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको प्रेरणा देता और आगे बढ़ाता है। परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों में से उस पर विश्वास करने वाले लोगों में अद्भुत क्षमता है। हमारा विश्वास चाहे राई के दाने के बराबर हो, परंतु यदि हम पहाड़ों से कहे हट जा तो वे हट जाएंगे। हम अपने विश्वास में आगे बढ़ें, मसीह जीवन में आगे बढ़ें, अपने कार्यों और अपने त्याग में आगे बढ़ें। जो समय हमको परमेश्वर ने दिया है उसमें हम आगे बढ़ते जाएं। हमारे जीवन, हमारे कार्यों और हमारे संबंधों से प्रभु यीशु मसीह की गवाही हो। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस संदेश के द्वारा खुदावन आपके हृदयों को और आपके जीवनों को वो दे जो आप मांगते हैं। जो क्षमता प्रभु ने दी है उससे आगे बढ़े। आइए प्रार्थना करें। महान विराट और सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं अच्छे सामर्थी वचन और संदेश के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। इसके लिए आपको हम तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, जितने लोग प्रभु आज इस संदेश को मेरे परमेश्वर सुना है और उसे ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुनने वालों पर आपका अनुग्रह, आपकी दया हो, प्रभु उनका जीवन यीशु के नाम में रूपांतरण हो। मेरे परमेश्वर पिता, चाहे वो चोटी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो हिमालय की एवरेस्ट माउंट की चोटी हो, चाहे कोई भी चोटी
कोई भी समस्या, कोई भी परीक्षा, कोई भी विपदा क्यों न हो, प्रभु वो उनसे आंग देख नहीं पाए, उनसे आंग देख नहीं पाए। ये मैं प्रार्थना करता हूँ, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो, सुनने वाले जितने हैं उनका विश्वास प्रभु करने वाला और चलने वाला बन जाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हरेक को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना और मेरी विनती को सुना है और आशीष दिया है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपने नया प्रकाश दिया है और प्रभु आशीष दी, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा कि हम अपने दान, अपने दशमांश को परमेश्वर की सेवा काई के लिए परमेश्वर के भंडार में हम डालें। जब हम आराधना, प्रार्थना, स्तुति और वचन, और उसके बाद जब हम अंतिम जो आराधना का भाग है भेंट करना, वो हम करें, जो हमारे लिए अति आवश्यक है वो हम करें, तो हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए अर्पण करें। आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अपनी भेंटों को भेज सकते हैं। हालेलुया। आइए हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, साचा जीना खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, मैं साचा जीना खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जिन बहन भाइयों ने प्रभु, जिन अजीजों, जिन बच्चों ने पिता परमेश्वर, जिन माताओं ने पिता परमेश्वर अपने दान, अपने दशमांश, अपने भेंटों को परमेश्वर पिता निकाला प्रभु जी, पिता उन पर तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष मांगते हैं पिता, जो देने के बाद उनके पास बच गया प्रभु जी। ओ पिता, बहुतों ने पिता परमेश्वर अपनी कमी में से दिया है प्रभु जी, क्योंकि इस समय पर प्रभु जी संसार में एक बड़ी विपरीत परिस्थिति है। बहुतों के पास रोजगार नहीं है पिता, बहुतों के पास इनकम के स्रोत कम हो गए हैं प्रभु जी, उनकी सैलरियां कम हो गई हैं, उनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, पर फिर भी परमेश्वर पिता उन्होंने अपनी कमी में से, अपनी घटती में से प्रभु जी, ओ प्रभु सेवकाई के लिए प्रभु जी, आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर अपने भेंटों को अर्पण किया है। खुदावन यीशु, आप किसी के कर्जदार नहीं है महान परमेश्वर, उनके अन्न पर, उनके जल पर प्रभु आपकी आशीष मैं बहुतायत की मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, उनके भंडार यीशु मसीह के नाम से आशीष बोलता हूँ। आज महान परमेश्वर, तूने आराधना के द्वारा और अपने वचन के द्वारा प्रभु जी उन्हें ब्लेस किया है और प्रभु उनकी भेंटों को तूने ग्रहण किया है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जिनके घरों में पिता परमेश्वर एक मुट्ठी आटा है और एक ढक्कन तेल है, उस पर तेरी आशीष हो। जिनके पास पिता परमेश्वर बहुत कम पैसे हैं प्रभु, उनके पास पिता बहुतायत की आशीष हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सामर्थी परमेश्वर, आप प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाले और आशीष को देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आज पिता हम दुआ करते हैं जो पिता परमेश्वर पिता हैं, और प्रभु आज हम पिता परमेश्वर एक देखते हैं कि एक दिन परमेश्वर जो आपने बनाया प्रभु जी, आज फादर्स डे पर प्रभु जी मैं आज उन पिताओं के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, जो परमेश्वर पिता पिता हैं, ओ प्रभु वो अपने पत्नी, अपने बच्चों की और अपने माँ बाप की और अपने समाज की, अपनी कलीसिया, अपनी सारी जिम्मेदारियों को प्रभु जी जो आपने उन पर डाली हैं पिता, वो सही रीति से निभाने पाएं पिता। आज इस शुभ अवसर पर प्रभु उनकी आंखें खुलने पाए, उनका विवेक खुलने पाए, उन्हें बुद्धि, उन्हें ज्ञान मिलने पाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सामर्थ्य प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले और आशीष को देने वाले परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, संसार में जितने भी पुरुष हैं पिता, वो अपने हाथों को उठाकर, पवित्र हाथों को उठाकर जीवित परमेश्वर की, चाहे वो जहां पर भी हो, स्तुति करने पाए, आराधना करने पाए, नाम को लेने पाए, प्रार्थना करने पाए, अच्छी गवाही को देने पाए प्रभु, ये प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, और उनकी पत्नियां हैं प्रभु, वो उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहने पाए प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, और जो उनके बच्चे हैं पिता, वो उनके साथ होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आप प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आशीष करते हैं। आज की आराधना को प्रभु आपने ब्लेस किया और प्रभु ग्रहण किया हमारी आराधना, हमारी विनती को, हमारी प्रार्थनाओं को, इसके लिए आपको धन्यवाद। सारा महिमा और आदर हम आपको देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और हाँ और आमीन उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह विश्वास करने वालों के प्रत्येक के साथ यीशु के आगमन तक होने पाए, आमीन आमीन। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में बहुत आयत की आशीष मिले, सबको जय मसीह की, हैप्पी फादर्स डे, गॉड ब्लेस यू, जीसस हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार के भी सबको जय मसीह की।